फ्रेंड्स, भारत में बनने वाली वैक्सीन को अब दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने 2 वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है और अब इन दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी बेसिस पर भारत में अब लोगों को लगाना भी शुरू कर दिया गया है। शुरुआती नतीजे वैक्सीन को लेकर काफ़ी अच्छे आए हैं और वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट लोगों में देखने को नहीं मिला है। आपको बताना चाहेंगे कि वैक्सीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दूसरे देशों से मांग भी शुरू हो गई है और बहुत ही जल्दी भारत इन वैक्सीन को दुनिया के सभी देशों में भेजने का काम भी शुरू करने वाला है। हम अभी इसके ऊपर पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि इसकी किस तरीके से तैयारी की जा रही है और भारत यहाँ पर कैसे इस वैक्सीन को दुनिया के देशों में भेजेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लाइक कर दें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दुबई एयरपोर्ट का सहारा लेने वाला है, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट से दुनिया के लगभग सभी देशों से सीधी उड़ानें ऑपरेट होती हैं। इसी कारण से दुबई एयरपोर्ट के माध्यम से इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जाएगा। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपको बता दें कि भारत का हैदराबाद एयरपोर्ट और दुबई एयरपोर्ट दोनों मिलकर एक MOU साइन किए हुए हैं, जिसके अनुसार अब दोनों एयरपोर्ट वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अब साथ में काम करेंगे। भारत में बनने वाली वैक्सीन अब दुनिया के सभी देशों में भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए भारत यहां पर दुबई एयरपोर्ट का सहारा ले रहा है, जहां से दुनिया के लगभग सभी देशों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। इसके लिए हैदराबाद एयरपोर्ट को पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है। वहां पर कोल्ड चैन स्टोरेज से लेकर सभी तरीके की व्यवस्था भी कर ली गई है कि वैक्सीन को सही तापमान पर रखा जा सके, और इसके साथ साथ इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद अब दुबई एयरपोर्ट पर भी इसी तरीके की कोल्ड चैन फैसिलिटी की व्यवस्था होगी, जो कि भारत की बनी हुई वैक्सीन का स्टोरेज अपने पास करके रखेगी। आपको फ्रेंड्स ये न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि इस अच्छी न्यूज़ का पता सभी लोगों को लग सके। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।